Katia, Lita Tohotea, Yaya, Ole Katea, Uta Puba, Uta Lito Hoto Pratia, Yalata, Ritelega Busa, Rika, Oh, Rita Lega Se. यही कारण है तुम इतने जोर से अन्य भाषा बोलते हो, मुझे नहीं पसंद है। सॉरी पास्टर, मैं तुम्हें छोटा सा मौका देता हूँ, तुम जोर से चिल्लाने लगते हो। सॉरी, मुझसे गलती हो गई पास्टर। इससे मेरी आवाज दब जाती है, नहीं मुझे सर, मेरी आवाज सुनाई नहीं देती। सॉरी सर, तुम तो एक सिर्फ डिकनेस हो, तुम ऐसे बिहेव करते जैसे तुम जोनल पास्टर हो। I'm really sorry सर, मुझे माफ कर दीजिए सर। ओ रबा साखा रांदा रबा शेर। भाई और बहनों माफ कर दो, मैं 2 महीने से अपनी बाइबल खोज रहा हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है आपको बताने के लिए। बाइबल मेरे दिमाग में छपी हुई है। डिकनेस वचन पढ़ो। यस सर। रुको, परमेश्वर को जानने का एक अलग तरीका है। परमेश्वर को आप एक अलग तरीके से देख सकते हो। आप परमेश्वर को हर एक चीज में देख सकते हो, अपने कपड़े में, अपने माइक्रोफोन में, अपने पड़ोसी में, अपने पड़ोसी के कपड़ों में, अपने पड़ोसी के बैग में, अपने पड़ोसी के फोन में, अपने पड़ोसी के पैसों में। यस सर। वचन पढ़ो, अध्याय पढ़ो। यस सर। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन, शुरुआत में। सुना आपने? ध्यान दीजिए, शुरुआत में। पढ़ो आगे, पढ़ो। उत्पत्ति पहला अध्याय पहला वचन। ये साल में जनवरी महीने में हमने उत्पत्ति से चालू किया है, और जब तक रेवलेशन तक पहुंचेंगे हम दिसंबर महीने में हो गए। यस सर। इन द बिगनिंग, शुरुआत में। क्या आपने सुना? इन द बिगनिंग, शुरुआत में। सुनो इसको, परमेश्वर ने। रुको, क्या आपने सुना? शुरुआत में परमेश्वर, इसका मतलब है कि परमेश्वर का हर चीज में आगे रखना है। कुछ लोग हैं जो परमेश्वर को अंत में रखते हैं, और तभी परेशानियां आती है। शुरुआत में, आगे पढ़ो। शुरुआत में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। रुको, स्वर्ग और पृथ्वी, परमेश्वर ने बनाई स्वर्ग और पृथ्वी। कोई चिल्लाइए हालेलुया। स्वर्ग और पृथ्वी, क्या आपने सुना? स्वर्ग और पृथ्वी। यस, अपने पड़ोसी से कहिए स्वर्ग और पृथ्वी। अपना पूरा ध्यान उन स्वर्गीय वस्तु पे लगाइए। आप में से बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे पैसे है, मगर तुम अपना पैसा पृथ्वी के वस्तु पे लगाते हो। स्वर्ग की वस्तु पे लगाइए, स्वर्ग से कनेक्ट हो जाइए। आप में से बहुत से लोगों के पास कार है, पहले आप उसे स्वर्ग में चलाते हो फिर पृथ्वी पर, यही आप करते हो। आप लोग अपने परमेश्वर के जन को याद नहीं रखते। पिछले हफ्ते मेरा बर्थडे था, किसी ने मुझे गिफ्ट नहीं दिया। माइक डीजे ने, सर जब आप सिखा रहे थे सर, तो परमेश्वर ने मुझे कहा ये 10 लाख का चेक आपको देने के लिए। जी सर। क्या? यस सर। 10 लाख? यस सर। ले लीजिए सर। दस लाख मेरे भाई? हाँ सर, 10 लाख। आप ब्रदर हो या पास्टर हो?
सर मैं एक ब्रदर हूँ, मैं आज यहाँ पर पहली बार आया हूँ, मुझे परमेश्वर ने कहा ये आपको देने के लिए। आप पहली बार आए हो? जी सर। आप कहाँ काम करते हो? सर मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ। क्या वहाँ पर कोई वैकेंसी है? सर ऐसा होगा तो मैं जरूर आपको बताऊंगा सर। सर सिर्फ आप ये 10 लाख रुपए संभाल लीजिए सर। ओ परमेश्वर। सर मत रोइए सर, मुझे परमेश्वर ने कहा था आपको देने के लिए सर, मत रोइए सर। परमेश्वर महान परमेश्वर। ओ परमेश्वर। ओ महान हो आप परमेश्वर। डिग्नेस डिग्नेस महान परमेश्वर। मत रोइए आप, चुप हो जाइए डिग्नेस। डिग्नेस डिग्नेस आप क्यों रो रहे हो? ये पैसे आपके नहीं है क्या? आपके ऑफिस में कोई जगह खाली नहीं है? नहीं सर, अगर ऐसा होगा मैं जरूर आपको बताऊंगा सर। प्लीज मुझे बताओ अगर कोई जगह खाली है तो। जी जरूर सर, जरूर सर, रोइए मत सर। आप सिर्फ अभी ये 10 लाख रुपए संभालिए सर। मेरा सपना है कि मैं आपके ऑफिस में काम करूं। अगर ऐसा कुछ होगा सर मैं आपको जरूर बताऊंगा सर, रोइए मत सर। उठ जाइए सर। सर सर रोइए मत सर, कल सुबह ही सर बैंक जाइए और इस चेक को क्लियर कीजिए और अपने पैसों को ले लीजिए सर, रोइए मत सर। मेरे भाई आप यहाँ से चले जाओ। थैंक यू सर। अगर एक चेक क्लियर हो जाएगा मैं सब कुछ हासिल कर लूंगा। चलो